आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा का जोर है। सरकार ने कहा अपनी सोशल मीडिया डीपी पर तिरंगा लगाओ। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी डीपी पर नेहरू जी के साथ तिरंगा लगाया। सवाल किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी डीपी में भगवा की जगह तिरंगा क्यों नहीं लगाता। संघ को बिना नाम लिए राष्ट्रद्रोही भी कह दिया गया। कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन यह जानकारी है सच या झूठ, इसे समझने की हमने कोशिश की। आप भी समझिए और सही लगे तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कीजिए। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर हमेशा राजनीतिक सवाल उठाए जाते हैं। संघ आजादी की लड़ाई से दूर था या फिर उसकी भागीदारी से इतिहास के लेखक दूर थे? यह बड़ा सवाल है जिसके जवाब की तलाश इतिहास के पन्नों में करें तो जवाब नहीं मिलता, लेकिन संघ पर नजर रखने वालों के पास कुछ जवाब जरूर। का उल्लंघन करने का आंदोलन मध्य प्रांत और बरार में छिड़ा, जिसको कहते हैं जंगल सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ यवतमाल जिले के पुसद में 10 जुलाई 1930 में प्रारंभ हुआ 10 जुलाई को। और हम ये पाते हैं कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जुलाई 1930 को यवतमाल के पास जो लोहारा का जंगल है 10 किलोमीटर दूर, वहां 11 सत्याग्रहियों की टुकड़ी को साथ लेकर वहां जंगल कानून का उल्लंघन किया, जिसके तहत उनको 9 महीने सश्रम कारावास का दंड सुनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस के सदस्य भी थे, तो वो आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। छोटे कस्बों में भी संघ के कार्यकर्ता हर बड़े आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन बड़े बड़े इतिहासकारों की नजर इन छोटे आंदोलनों पर शायद नहीं। लेकिन 1 मई 1930 को नागपुर के टाउन हॉल में जो नमक कानून तोड़ने के लिए जो सबसे पहली निषेध सभा हुई, उसमें पहले 3 लोगों ने जिन्होंने नमक का सत्याग्रह किया, एक थे डॉक्टर मुंजे, दूसरे थे डॉक्टर चोलकर और तीसरे थे संघ के उस समय के सरकारीवाह या जनरल सेक्रेटरी बालाजी हुद्दार। उन्होंने नमक के कानून का उल्लंघन किया। लेकिन डॉक्टर जी के समय सरसंघचालक के बाद सर सेनापति का क्रम आता था और उस समय संघ के सर सेनापति मार्तंडराव जोग थे। ये तो मध्य प्रांत में जो युद्ध मंडल बना था, युद्ध मंडल यानी जंगल सत्याग्रह को संचालित करने के लिए कांग्रेस ने ही अस्थाई समितियां बनाई थी, उनको युद्ध मंडल कहा जाता था। तो इस युद्ध मंडल में मार्तंडराव जोग ये पहले तो असिस्टेंट कमांडर थे और बाद में उनको स्वयंसेवक दल का प्रमुख बनाया गया था। वे स्वयं उनको गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया, पहले नागपुर जेल में थे फिर रायपुर के जेल में थे। तो इस प्रकार से सरसंघचालक, सर कार्यवाह, सर सेनापति, ये जो 3 वरिष्ठ अधिकारी है संघ के, ये तीनों ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। इतिहास लेखन को उस समय के अखबारों और डिस्ट्रिक्ट गैजेट्स में इस आरोप की तलाश करनी चाहिए जो भारत के लोगों को सच जानने में मदद करेगा। जो पुणे से निकलता था द्विसाप्ताहिक था, उस समय दैनिक तो नहीं था वो, और नागपुर से महाराष्ट्र करके जो द्विसाप्ताहिक है उसके जो समकालीन अंक है उसमें ये सारी वार्ताएं छप गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 1990 में जो उनका गैजेटियर का डिपार्टमेंट है उनके द्वारा के चौधरी द्वारा संपादित सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया अप्रैल टू सितंबर 1930 ये खंड क्रमांक 9 है, इसमें भी ये सारे तथ्य पढ़ने को मिलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।